मेरे तौर पर ओरिएंटल आया था, इस्लामिक आर्ट से उसका ताल्लुक है और हम कोशिश कर रहे हैं कराची की दीवारों को जो है वो अच्छे से पेंट करें ताकि लोग जो गंदगी करते हैं हम कोशिश करें कि उस गंदगी को खत्म करें और उसके लिए एक अच्छी दीवारें लोगों को देखने का तासुर लोगों तक जा सकते ताकि लोगों को आर्ट मिल सके क्योंकि आमतौर पर दिखाई नहीं देता और कराची की दरों दीवार खूबसूरत है और खूबसूरती में इजाफा होगा और कराची बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ी मसाइल का शिकार है, उसके अंदर उन चीज़ों की कमी है जिससे लगे कि पाकिस्तान बनाने वाले मौजूद हैं अभी भी और उसकी बुनियादों को नुकसान पहुँचाने वालों से बचाने के लिए एक अच्छा इकदाम आर्ट भी है जिसको मैं टेलीग्राफी के तौर पर ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि कराची की दरो दीवार को जितना खूबसूरत किया जा सके वो बनाया जाए और लोगों तक इस बात को पहुँचाया जा सके। ये सिर्फ इन्होंने खत्ताती की है, हरूफ लिखे हैं और लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ताकि हमारे पुरानी हरूफ की बेरोती ना हो। माशाल्लाह ये आपके दिल में बहुत बड़ा जज्बा है और इसका भी अल्लाह ताला आपको अजर दे। नुकतों से बुनियादी तौर पर नुकता जो है वो कायनात जो है वो नुकता है, उस नुकते से इस बुनियाद का अलग है कि हर चीज़ में नुकता है और नुकते से ही हर चीज़ एक्सपेंड हो बढ़ी बढ़ी है और वापस उसको नुकते में ही नुकते पे ही आना है। खाना बाबा इसकी सबसे बड़ी सुभान अल्लाह वो भी नुकता है। आशिफ भाई ये जो है ये बहुत मुझे पसंद आया, ये 16वीं सदी के अंदर फतेह कूफी होता था, 16वीं सदी में उस 16वीं सदी में जो फतेह कूफी होता था उसके स्क्रिप्ट के लेटर्स लेके मैंने कोशिश की है कि एक आर्ट फॉर्म जो है यहाँ पर बना सकूँ तो वो मैंने यहाँ पर बनाई है। उसके अंदर ये 12 स्टार जो है वो 12 स्टार भी मौजूद है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ओरिएंटल आर्ट है बुनियादी तौर पर, तो इसके अंदर ये स्टार्स की बड़ी अहमियत है बुनियादी तौर पर। ये भी हरूफ है, ये भी हरूफ है और ये फतेह सुलूस में है, फतेह सलूस की अब ये अगर हम तशरीह करें तो उसमें काफ़ी टाइम होगा। मुख्तसरन फतेह सलूस से आप क्या मतलब है? बुनियादी तौर पर फतेह सलूस जो है वो तीसरा खत कहलाता है दुनिया में, सबसे मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तरीन खत लिखा जाता है या उसको माना जाता है वो फतेह सलूस होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है खाने काबा के ऊपर जितनी तहरियात होती है वो सारी की सारी फतेह सलूस में होती है और इसमें उसके नुकात लगा के शुरू की बुनियाद पर क्योंकि नुकता ही शुरू है हर चीज़ का, तो इसका भी उसमें नुकता ही है। तो नुकते से इसको रिपोर्ट किया। अब आप देख लें जितने भी सीखने वाले हैं यहाँ पे आप खड़े भी हैं दोस्त मेरे, तो ये देखें कि हमारे जो टैलेंट्स हैं पाकिस्तान के वो इस तरीके से अपने जज्बा अपनी मोहब्बत अपना इस्लाम से मोहब्बत अपने मुल्क से मोहब्बत अपने शहर से मोहब्बत और इनका ये जज्बा जो है अगर इंफरादी तौर पर हर शख्स अगर उसमें पैदा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक जन्नत की मिसाल है और हमारा मुल्क जन्नत की तरह है। लेकिन काश के ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, मेरी राय दूसरा है, हमें घबराना नहीं, जो पूरा करने वाले हैं तो अच्छा करने वाले अच्छे वाले भी खुद हैं तो इंशाल्लाह आगे आ गया। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर कराची प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब की दीवार है उस पर ये इन्होंने अपना मोहब्बत से अपने जज्बे से अपने खर्चे से अपनी लगन से अपनी मेहनत से ये सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ मुझे ये बताने का मकसद ये है कि आप इनकी कदर करें, ये जहाँ जहाँ भी जिस चीज को भी ये व्हाट्सअप मिलेगा तो इसको आप शेयर करें और इनका इंशाल्लाह ये आपको अपना नंबर भी बताते हैं, आप इनसे ज़ाती तौर पर यहाँ कराची आके मिलें
और ये अपना एड्रेस भी आप बता देंगे आप। आपका नंबर काशिफ भाई क्या है? मेरा नंबर है 0333216516 और व्हाट्सएप का नंबर जो है वो खुशी साहब दे देंगे इंशाल्लाह। मैं हाजिर हूँ और आपको दे देंगे और इंशाल्लाह आप कराची आइए, इस फोन नंबर पर रब्ता कीजिए तो इंशाल्लाह मैं आपको दस्तयाब होगा। आपका बेहद शुक्रिया, ये मेरा आपसे ज़ाई खूब वास्तव है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।